हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी कंप्यूटर एंड टेक। पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं निशांत और आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि आधार कार्ड की ये एक अपडेट है कि मास्क आधार एक चीज़ आया है, मतलब कि ये आधार कार्ड की एक अपडेट है। तो ये मास्क आधार है क्या, तो इसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें बताते रहता हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट मैं आपको मैं ये बता दूँ कि हमारे भारत में लगभग कम से कम 100 करोड़ लोग हैं जो इस आधार कार्ड का उपयोग करते हैं, मतलब उनके पास आधार कार्ड अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि हमारे पास जो आधार कार्ड है तो उसका सुरक्षा हम अगर नहीं कर पाते हैं तो उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो इन सभी डेटाओं को सुरक्षित रखने के लिए आधार कार्ड का प्राधिकरण जो है उन नया नया कोई ना कोई फीचर्स लाते रहते हैं, कोई ना कोई अपडेट्स लाते रहते हैं। तो उन्हीं में से ये एक अपडेट है, ठीक है। इस अपडेट की मदद से हम को क्या फ़ायदा क्या होना होगा कि इसमें क्या होता है इस फीचर के द्वारा कि हमारे पास आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है। लेकिन मास्क आधार के ज़रिए क्या होगा कि ये आधार कार्ड के जो 12 में से 8 डिजिट है वो हाइड हो जाएंगे, छिप जाएंगे, ठीक है। और जो बाकी के 4 डिजिट है सिर्फ वही हमें शो करेंगे और वो 4 डिजिट जो दिखेगा वो भी वैल्यूएबल होगा, मतलब कि उसके द्वारा भी आपका आधार कार्ड का मानक तय हो जाएगा, उसके द्वारा भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये मास्क आधार अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये सारी चीज़ें कैसे होनी है, चलिए स्टेप बाय मैं आपको बताते जाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र या किसी ब्राउज़र में एंटर करना है, आपको ब्राउज़र में पहले आना है, ठीक है। वहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है UIDAI.gov.in, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब वो पेज पूरा जब खुल के आ जाएगा सामने, तो स्क्रॉल करके नीचे आना है और जो आधार एनरोलमेंट ऑप्शन है उसमें आपको एक नीचे मिलेगा ऑप्शन डाउनलोड आधार, ठीक है। ये डाउनलोड आधार जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया पॉप मेन्यू खुल के आएगा। इसमें आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर देखना है, यहाँ पे ऑप्शंस है आई हैव आधार, VID यानी कि वर्चुअल आधार और एनरोलमेंट ID, इन तीनों में से किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक कर देने के बाद नेक्स्ट है जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है सिलेक्ट योर प्रीफ्रेंस, रेगुलर आधार, मास्ट आधार, इन दोनों में से किसी एक पे, मतलब कि किसी एक पे नहीं, आपको मेनली मास्ट आधार का जो ऑप्शन है इस पे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपका जो आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पे सारी चीज़ें उसकी डिटेल्स फिल करनी है, आपका पूरा नाम, पिन कोड, फिर से ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये कैप्चा कोड, उसके बाद यहाँ पे UI है ये, इस पर क्लिक करके रिक्वेस्ट OTP करना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट OTP करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड है आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है जो नंबर, उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको डाल करके यहाँ से कंफर्म कर देना है, ठीक है। और मतलब ये सारी चीज़ें जब OTP आप कर दे तो यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इसे ही आप इस डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका जो मास्क्ड आधार होगा वो डाउनलोड हो जाएगा और उसके ज़रिए आप सारी चीज़ें काम कर सकते, जो आपका भी आधार है सेम तरह से ये आधार भी आपका वर्क करेगा। तो इस तरह से आप मास्क आधार को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।